हल्द्वानी के बन भूलपुरा में 8 फरवरी की शाम को अवैध रूप से बने मदरसे को हटाने पर बवाल हो गया। हल्द्वानी में उपद्रव के कारण 70 से अधिक वाहनों को जला दिया गया, जबकि कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई। इस दौरान कई पुलिसकर्मी और निगम कर्मियों पर हमले किए गए और थाने को जलाने की कोशिश हुई। इस घटना में जहां कई लोग मारे गए हैं, वहीं सैकड़ों लोगों के घायल होने की भी खबर है, जिसके बाद क्षेत्र में पैदा हिंसक स्थिति को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया है। हल्द्वानी हिंसा के हालात का जायजा लेने के लिए मुख्य सचिव, डीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बैठक की और घटनास्थल की स्थिति का जायजा लिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एडीजी कानून व्यवस्था और जिलाधिकारी नैनीताल को घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहाँ पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहाँ पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहाँ पर अभी तत्काल अन्य कंपनियाँ पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। 8 फरवरी को करीब 4:30 बजे पुलिस टीम अतिक्रमण स्थल के लिए रवाना हुई थी, जिसके बाद लोगों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। लोगों ने पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को हटाना शुरू किया। 4:51 पर अराजक तत्वों ने जेसीबी रोकी, हंगामा शुरू हुआ और पत्थरबाजी होने लगी। इस बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक सिन्हा ने स्थानीय लोगों से बातचीत की। हम इसे वन भूलपुरा इलाके के बाहर के क्षेत्र में खड़े हैं। वहां खड़े हैं आखिर उस कहानी को जानने के लिए खड़े हैं कि आखिर कल हुआ क्या था। इतनी गाड़ियां जला दी गई, इतनी आगजनी की गई, सारे के सारे थाने में जितने लोग थे उन सबको जलाने का प्रयास किया गया। आखिर उनकी जान किन लोगों ने बचाई, कैसे आमना सामना हुआ, आइए उन लोगों से जानते हैं। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा, अपना नाम बताइए, कल क्या हुआ था, पूरा घटनाक्रम बताइए। अजय राजौर मेरा नाम है। कल शाम के समय पुलिस जो है जो अतिक्रमण मस्जिद और मदरसे को ढाने के लिए जा रही थी, उसके बाद एक घंटे के बाद पुलिस अफरा तफरी में वापस भागती नजर आई, और वहां पर जो लोग पथराव कर रहे थे पुलिस के ऊपर, और जो सफाई कर्मचारी जो नगर निगम लेकर के गया था, वो सफाई कर्मचारी अपनी जान बचा करके भाग रहे थे, और जितने पुलिस प्रशासन, इसमें बड़े बड़े अधिकारी भी थे, इस क्षेत्र के जिला हमारे पुलिस अधीक्षक भी थे और एसडीएम भी थे, यहाँ के एसडीएम साहब भी थे, सिटी मजिस्ट्रेट थे और अपने एनएमएन साहब थे। पुलिस का पूरा बल, मतलब उनमें लहू लुहान होकर के लगातार वापस भाग रहा था अपनी जान बचा करके। ये मेरी आंखों देखी ये बात है, और इस प्रकार से माहौल था कि अपनी जान बचाना मुश्किल हो रहा था, लोग पथराव कर रहे थे, पीछा कर रहे थे इन लोगों। ये बताइए कितनी भीड़ रही होगी, कितने ऐसी, आखिर उन्हें गुस्सा क्या इस बात का था, कुछ आपको इस बात का पता है? देखिए, गुस्से के लिए तो वो जो अतिक्रमण ढाने के लिए गए थे, उसकी सबसे बड़ा मामला वही था कि हमारी ये अतिक्रमण जो हो रहा है, इसको अतिक्रमण को न तोड़ा जाए, इसीलिए उनकी नाराजगी थी। मगर मुझे ऐसा लगता है कि शासन प्रशासन को इस प्रकार का आभास नहीं था कि इस प्रकार का इतना बलवा तरीके से इन्होंने एकदम से हमला कर देंगे और ये जानलेवा हमले में शामिल हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। उपद्रवियों ने सबसे ज्यादा पुलिसकर्मियों को निशाने पर लिया। महिला पुलिसकर्मी ने अपनी आप बीती सुनाई कि कैसे चारों तरफ से पत्थर बरसने लगे और पूरा माहौल उग्र हो गया था। बड़ी मुश्किल से इन महिला पुलिसकर्मियों ने अपनी जान बचाई है। अबे बहुत ज्यादा, हम बहुत बच के आए, बहुत, एक घर के अंदर पथराव हुए, एक घर के अंदर घुस गए हम लोग, अंदर घुसे हम कम से कम 15-20 लोग घुसे थे। उसके बाद बाहर से जो है फिर उन्होंने आग लगाने की कोशिश करी, पथराव करे, सब कुछ करा उन्होंने, बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए हम लोग। फिर हमारा फोर्स, काफी देर बाद हमारा फोर्स आया, फिर निकल गया, जो पत्थर लगे ऊपर से इधर उधर से, बहुत 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 कंडीशन खराब, बहुत ज्यादा।
बहुत मुश्किल से बच के आए हम लोग आज। कितने लोग थे, कितने लोग आए? हम लोग तो अरे पूछो मत, हर जगह से, हर गलियों से, हर जगह से पथराव पथराव हो रहे थे वहाँ पे, तो हर गली छतों से भी, घरों नीचे से भी, क्योंकि गलियां घेर ली थी उन लोगों ने, चारों तरफ से गलियां भी घेर ली थी, छतों से भी आ रहे थे, बहुत लगे, बहुत ज्यादा। अब हमें पता, हम लोग भी 15-20 लोग एक घर के अंदर दबे पड़े थे, मतलब बहुत मुश्किल से बचे थे हम लोग। फिर वहां से हम लोगों ने फोन करा, इधर उधर फोन करा, लोकेशन भेजी, वो लोग उस जिस आदमी ने हम लोगों को बचाया उसको भी गालियां करी उन लोगों ने, उनके मकान तोड़ दिए, उनके दरवाजे तोड़े उसने। फिर फोर्स आया हमारा, बड़ी मुश्किल से भी फोर्स, जब लोकेशन देखी फोर्स आया, उसके बाद जाके हम लोगों को बाहर निकाला। फिर हम बच के आ रहे थे तो ऊपर से शीशे वगैरह सब फेंके, यहाँ लगी, अंदर तक लग गया, फिर पत्थर लगा, ईंट लगा, सब कुछ लगा, फिर ऊपर से भी शीशे वगैरह भी फेंके उनने, बोतलें फूकी, ईंट, और रास्ते में जो है जाम लगा दिया था। बड़ी मुश्किल से मतलब गिरते पड़ते आए हम लोग। मरहम पट्टी हो गई है अभी आपकी? हाँ, इंजेक्शन लग गया है। ठीक है, पहले से दर्द हो रहा, चला नहीं जा रहा मुझसे बिल्कुल भी, और इंजेक्शन भी लग गया, एक्सरे भी हो गया अभी। वहीं हल्द्वानी में मदरसे पर एक्शन होने पर कैसा बवाल मचा और पुलिस कर्मियों की जान पर किस तरह बनाई, इस बारे में डीएम वंदना सिंह ने डिटेल में बताया है। हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की, उन पर पहला अटैक किया गया पत्थरों के माध्यम से, पत्थर बरसाने शुरू करे गए चारों तरफ जो छतें हैं उनके माध्यम से। मैंने आपको 30 तारीख की फुटेज दिखाई, किसी छत पर कोई पत्थर नहीं था। तो जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वॉज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी को। तो पत्थरों का अटैक हुआ जब हमारी टीम पीछे नहीं हटी, हमने डिमोलिशन ड्राइव को जारी रखा हमारे ऑफिसर्स ने। उसके बाद जब पहली मॉब जो आई पत्थरों के साथ, उनको डिस्बर्स कर दिया गया, तो दूसरी मॉब आई जिनके हाथों में पेट्रोल बम थे, जो फ्यूल होता है उसकी प्लास्टिक की बॉटल्स थी, उसमें उन्होंने आग लगा लगा कर फेंकी। आप लोगों ने वीडियो फुटेज में भी देखा, आप लोग अभी तक सब कवर भी कर चुके हैं। ये फेंका गया, ये भी अनप्रोवोक था, बिल्कुल प्रोवोक नहीं किया गया था। तब तक हमारी टीम ने किसी भी प्रकार का फोर्स इस्तेमाल करना शुरू भी नहीं किया था। देवर बिजी इन डिमोलिशिंग द स्ट्रक्चर और प्रोटेक्टिंग देमसेल्स, प्रोटेक्टिंग द स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी। तो उसके बाद जब पेट्रोल बम आगजनी की घटनाएं शुरू हुई और उसके बाद भी टीमें पीछे नहीं हटी, तो थर्ड स्टेप में उस मॉब जो था अराजक तत्व, उनके द्वारा थाने का घेराव किया गया। थाने में हमारे मैजिस्ट्रेट थे, हमारे पुलिसकर्मी थे, हमारे ऑफिसर्स थे, हमारी कुछ मशीनरी थी, टीमें थी, असला था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो थाने को घेरा गया, थाने के अंदर जो लोग बैठे हुए थे उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया, उन पर पहले पथराव किया गया, फिर पेट्रोल बम फेंके गए, थाने के बाहर खड़े वाहनों में आग लगा दी गई। उसका जो धुआं था आगजनी का, वो धुआं सारा थाने में भर गया और अंदर जो ऑफिसर्स थे उनको सफोकेशन होने लगा। तो पहले अनाउंस करा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, अनाउंस करा गया लाउड स्पीकर पर कि आप लोग डिस्पर्स हो जाएं, अन्यथा हमको बल प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद पानी की बौछार भी अग्निशमन के माध्यम से करी गई ताकि उस आग को बुझाया जा सके और जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको सफोकेशन से बचाया जा सके, ये भी किया गया। उसके बाद भी जब वो मॉब डिस्बर्स नहीं हुआ, तो कुछ जगह से ये सूचना आई कि जो रिवॉल्वर होते हैं या वैध या अवैध है वो सब जाँच का विषय है, जो भी असलहे हैं, जो भी आर्म्स हैं, उनके माध्यम से कुछ फायरिंग स्टार्ट करी गई थाने पर डायरेक्टली, थाने में अंदर जो टीमें थी उन पर डायरेक्टली। उसके बाद जो है फोर्स इस्तेमाल करने के आदेश दिए गए, कर्फ्यू इम्पोज करा गया, फायर ओपन करने के आदेश दिए गए, कमर के नीचे फायर ओपन करने का हमारे स्थानीय मजिस्ट्रेट ने वहाँ ऑर्डर किया, इस स्थिति को देखते हुए, हमारी टीमों की सुरक्षा को देखते हुए। अब इस पूरे मामले में यह जानकारी सामने आई है कि टीम ने कब्जा हटाने की योजना तो बना ली, लेकिन इलाके की तंग गलियों का चक्रव्यूह समझने में चूक गई, यही भूल उसके लिए आत्मघाती साबित हुई। अतिक्रमण वाली जगह के चारों ओर घनी बस्ती है, यहाँ 2-3 मंजिला मकान बने हैं जो हजारों की संख्या में हैं। पुलिस प्रशासन टीम पर सामने से उपद्रवियों के पथराव करते ही छतों से भी पत्थरों की बारिश होने लगी थी। पत्थरबाजी के साथ उनके रौद्र रूप ने पुलिस फोर्स, प्रशासन और नगर निगम की टीम को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया।
फिलहाल पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है और पुलिस प्रशासन मामले की जांच में जुटा है। इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और आरोपियों के खिलाफ UAPA की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।